मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे। तो यार दिन की शुरुआत हुई दुकान के चक्कर लगाने से। सबसे पहले दुकान पे ये सामान लेके आई, उसके बाद ये कुत्ता खड़ा हुआ था यहाँ पे, तो इसको रोटी डाली। इसको रोटी डाली तो दूसरा वाला दूर से भौंकने लग गया, धमका के मैंने दूर भगा दिया। लेकिन फिर मम्मी ने मुझे एक और काम दे दिया, आटे की निकली हुई जो भूसी थी उसको डालने के लिए बोल दिया कि उसको गाय भैंस को डाल के आऊँ। ये वाला बेचारा कुत्ता दूर से ही बैठा हुआ था, इतनी देर में वो खा के भी आ गया। और ये आटा मैंने डाल दिया, मतलब भूसी डाल दी मैंने भैंस को। वापस आई तो आके देखा कि वो जो दूसरा वाला कुत्ता था वो अभी भी यहाँ पे इंतजार में बैठा हुआ था बेचारा। तो मैंने उसको भी दो रोटियाँ डाली थी, रात की रोटी रखी थी। तो मैंने सोचा बेकार हो जाए खाना, उससे अच्छा है ना कि कोई जीव खा ही ले, एटलीस्ट भूखा है वो। उसके बाद मैं घर पे आई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि यार गेहूँ धो के डाल देती हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ना ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, वो घर का काम करती है हमारी अब्सेंस में, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं लास्ट सेकेंड टाइम जब आई थी तभी भी अपने मतलब गेहूँ बना के गई थी, गल्ला वल्ला बना के गई थी। तो मुझे ना हमारे गेहूँ में बहुत ज़्यादा वो कंकड़ हो रखे हैं, मिट्टी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं जब भी गल्ला बनाती हूँ तो मैं धुल के बनाती हूँ। तो मैंने गेहूँ डाले हुए थे और गेहूँ को धुल रही थी, निकाले भी हुए थे ये, एक बार मैंने धो के सुखा दिए थे। और उसके बाद ना मेरी हेल्प थोड़ी सी, पापा जी ने हेल्प की कि ये जो गेहूँ पड़े हुए थे इनको ना फैला दिया था, लेकिन फिर भी मैंने पापा जी जब चले गए तो थोड़ा थोड़ा सा और फैला दिया था। घर में और कोई था नहीं, मम्मी अपने काम से गई हुई थी, और मतलब मेरी मम्मी भी वर्किंग है तो मम्मी अपने काम पे गई हुई थी गांव में ही, और छोटा वाला जो भाई है मेरा वो अपने कॉलेज गया हुआ था, छोटी वाली सिस्टर है वो भी बाहर है दिल्ली में है, और जो मेरी दीदी हैं वो भी अपनी जॉब पे हैं। तो पापा जी भी फिर बाहर निकल गए। उसके बाद मुझे गेहूं और निकालने थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा सारा गेहूं बनाने थे, क्योंकि ना मैं जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो हम लोग भी आटा वाटा लेके जाते हैं घर से, दीदी के पास जाता है, दीदी के पास भी चला जाता है, और फिर ना मतलब यूज़ तो होता ही यार, और हम लोग घर पर नहीं रहते हैं तो फिर मम्मी को करना पड़ता है सारा काम। इसीलिए मैं जब भी पॉसिबल होता है और जब भी गेहूं बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा सारा गल्ला बनाने की कोशिश करती हूँ, और घर पे कोई और था भी नहीं तो सारा कुछ मुझे ही करना था, खुद से ही शूट करना था, खुद से ही काम करना था। और मेरे पास ना ऐसा ट्राईपॉड या मतलब या सारी चीज़ें भी नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली बात है यार मुझे होती है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि जितना पॉसिबल हो उतना मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे यार काम भी करना होता है तो मैं ऐसा मतलब सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ आई नो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो हमारी ना आटे की गेहूँ की हमारी गेहूँ की टंकी लगी हुई है बहुत बड़ी, एक टंकी नहीं है दोनों टंकियाँ हैं, दोनों भरी रखी हैं, और मैं टंकी में से ही गेहूँ निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़े से गेहूँ निकाल लिए हैं, अभी मुझे ना दो तीन बार और निकालने पड़ेंगे, तो अभी गेहूँ निकाल के ना उठा के डाल देती हूँ, क्योंकि यार और कोई तो है नहीं तो किसी ने देखा है। एक बार ही धो के सुखा चुकी हूँ वो गेहूँ, अभी डालूँगी और फिर मुझे ना बहुत सारा काम करना है यहाँ पे। एक बार इसमें पड़े हुए हैं, एक अभी निकाल के आई हूँ, तो बहुत सारा काम है। पहले ना एक बार मैं गेहूँ को पानी में निकाल देती हूँ, अच्छे से धो लेती हूँ। और गेहूँ को धोने के बाद जब मतलब गेहूँ को पानी में डाला जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो थोते थोते से गेहूँ हैं जो बहुत हल्के हल्के से हैं, लाइट वेटेड हैं, ये ऊपर तैर जाएंगे, जो कि अगर हम पानी चलाते रहेंगे तो ये नाली में चले जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। लेकिन मैं इन गेहूँ को निकाल के साइड से रख लूँगी, क्योंकि ना मतलब जो पक्षी होते हैं वो आते रहते हैं छत पर, क्योंकि मम्मी की आदत है वो दाने वाने डाल देती हैं, गेहूँ या चावल कुछ भी चीज़ें डाल देती हैं, तो पक्षी आ जाते हैं चुगने के लिए छत पे। तो मैं ये भी ना पक्षियों के लिए रख दूँगी, तो काम आ जाएगा एटलीस्ट यार ना, बेकार होने से अच्छा है। वो गेहूँ ये मेरे धुल चुके हैं, अब मैं इन गेहूँओं को डालने जाऊँगी दूसरी वाली जगह पे, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने ना खाट पे गेहूँ डाले थे, लेकिन इतने से गेहूँ से कोई काम नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैं गेहूँ को डालने के लिए दूसरी साइड जा रही हूँ। हमारा बहुत बड़ा मतलब चबूतरा है, तो चबूतरे पे मैं झाड़ू वाड़ लगा देती हूँ, क्योंकि गंदा सा पड़ा है ना, तो उस पर कपड़ा डालूंगी और उसी पे फिर गेहूँ डालने हैं मुझे। तो मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, और मैंने झाड़ लगाने के टाइम पे मैंने बोला था अपने भाई को वीडियो बना ले, दुनिया भर की फालतू की बकवास कर जा रहा था, वीडियो बनाने का मतलब नहीं था, मतलब मेरा कजिन था, भाई तो कॉलेज गया हुआ था। तो मैं झाड़ू लगाने से लगी पड़ी थी, और फिर झाड़ लगाने के बाद यहीं पे गेहूँ सुखाने थे, और मेरा मतलब जो भाई है मेरा इतना ज़्यादा बकवास मचाया जा रहा था, भगवान हद हो गई, कह रहा था झाड़ू लगाने के इतने पैसे, पोछा लगाने के इतने पैसे, ये देखो मतलब मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा था। हम लोग ना घर पे बहुत मस्ती करते हैं ऑनेस्टली, अगर कभी टाइम ऐसा ये रहा देखो तो मतलब मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल सारी चीजें मेरे बोलते रहे कि वो सब आप लोग सुनो, क्योंकि इतनी ज्यादा बदतमीजी होती है, शायद आप लोग ये बोलोगे कि यार कितने ज्यादा बदतमीज बच्चे हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, तो इसलिए। लेकिन तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे घर में मतलब कितनी ज़्यादा मस्ती करते हैं सब लोग साथ में मिलकर, और आई होप कि मतलब जितने भाई बहन हैं वो सब ऐसे ही मस्ती करते हैं। तो मैंने ना कपड़ा ला के बिछा दिया था, और फिर इस कपड़े के ऊपर ही मैं गेहूँ को डाल दूंगी। अभी सिर्फ एक भगोना है, और एक भगोना बड़ा भारी है, ऐसे लग रहा था मेरी जान निकली जा रही थी उस गेहूँ को लाने में।
तो अभी ना मैं गेहूं लेके आके गेहूं को डाल देती हूँ और फिर इस पे ना बारीक बारीक फैला देती हूँ। गेहूं फैलाने के बाद मेरा कजिन तो चला गया, उसके बाद मुझे अकेली सारा काम करना था, घर की साफ सफाई करनी थी और भी बहुत काम फैला हुआ था, ये मैंने निकाल के जो रखे हुए थे वो थे। और उसके बाद मैंने अपना स्नान किया, मैं नहाई धोई और उसके बाद नीचे जो सामान फैला पड़ा था उसको लेके जाना था। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था, उसी हाथ से मैं गेट खोल रही थी तो कैमरा बिल्कुल दरवाजे में घुस गया ऑलमोस्ट। तो मैं छत पे ना रखने जा रही थी चिड़िया और जो पक्षी आते हैं उनके लिए कि वो जाके उसे खा लेंगे। तो जो ऊपर वाले थोते थोते गेहूँ थे ये वो हैं, और नीचे वाले हाथ में, मतलब नीचे हाथ में एक ही हाथ में बाल्टी पकड़ी हुई है और उसके ऊपर ये रख रखा है, तो मैं रख देती हूँ। और आज ना मॉर्निंग में ऐसे हुआ था कि मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं चिड़िया और जो ऊपर पक्षी आते हैं ना चिड़िया को उनके लिए पानी रख दूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। मुझे इतना सारा काम लग रहा था, मतलब पता नहीं मैं किस चीज़ में लगी हुई थी तो मैं भूल गई। अब मैं पानी भर के रख देती हूँ, थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट इसके बाद जो भी पक्षी आएंगे वो तो पानी वानी पी के चले जाएंगे ना, तो मैं पानी भर के रख देती हूँ। और हमेशा की तरह मुझे अभी भी टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, क्योंकि मुझे अभी अपनी वीडियोज़ भी अपलोड करनी थी मेरे सेकंड चैनल में, और मुझे यहाँ से ये काम फिनिश करने के बाद खुर्जा भी जाना था, मतलब मार्केट जाना था। मार्केट में मुझे बैंक का कुछ काम करना था तो उसके लिए जाना ज़रूरी था, और भी थोड़ा सा काम था जो कि बहुत ज़रूरी था तो मैं उसी के लिए गई थी खास। मतलब नॉर्मली कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी होती तो चलो देखा भी जाता, और मैं जाते ही तुरंत से ना वीडियो करने लग गई क्योंकि मुझे काम वाम करते टाइम ही मैनेज करने को टाइम मिला था। फिर मैं और चिराग दोनों लोग पहुंच गए मार्केट। मार्केट में जाके मैंने सबसे पहले तो ना सिम अलॉट करवाई है, क्योंकि मुझे ना न्यू सिम की रिक्वायरमेंट लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए यहाँ से एक सिम अलॉट करवाई। और सिम निकलवाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से चल दिए। हम लोगों को ना एक्चुअली उसके बाद जाना था बैंक जाना था, और बैंक में मुझे लगा मुझे कैश चाहिए होगा तो कैश के लिए फिर हम एक भैया के पास गए, और मतलब पहले हम लोग यहीं पे खड़े रहे थे थोड़ी देर के लिए, तो चिराग कहीं गया था किसी काम से तो मैं वीडियो बनाने लगी थी, और मेरे को फेस तो एज़ यूज़ुअल दिखाना नहीं था तो मैं बस ऐसे ही शूट कर रही थी कुछ भी। और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े। एक्चुअली मुझे बैंक जाना था क्योंकि मुझे बैंक से कुछ कुछ कैश निकालना था, कैश इसलिए निकालना था और बैंक जाने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा जो ATM कार्ड था वो मेरी छोटी वाली सिस्टर जो दिल्ली गई हुई है उसके बैग में ही मेरा ATM कार्ड रखा था, तो वो अपने साथ ही लेके चली गई, तो मुझे अगर कैश निकालना होता तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे सीधा बैंक ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं घर से निकली थी उस टाइम पे कि मुझे लंच टाइम मिला, तो लंच टाइम में ऑब्वियस सी बात है कि बैंक में कोई भी काम नहीं करता होता है, तो मुझे वेट करना ही था 1 घंटे का, लेकिन इतना टाइम मेरे पास था नहीं कि मैं वेट करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं किसी शॉप वॉप से निकलवा लेती हूँ अगर पॉसिबल हो तो। लेकिन मैं शॉप पे गई तो जाके देखा कि वहाँ पे भैया नहीं थे, फिर मुझे लगा कि एक बार बैंक में जाके पता करना चाहिए, क्या पता काम हो जाए। बैंक वालों को ना पैसों से मतलब होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि पैसों से मतलब होना चाहिए कि ऑनलाइन पेमेंट है या फिर कैश है उससे क्या मतलब है। हम लोग बैंक में गए जैसे ही तो मैंने देखा कि यार बड़ा प्यारा सा लग रहा था, बैंक डेकोरेट कर रखा था बड़े अच्छे से, और फिर चिराग वहाँ पर कहने लगा एन जी हम यहाँ किसी का बर्थडे मना सकते हैं क्या। फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम लोग वापस आने लगे। मैंने चिराग से पूछा कि देखो भूख लगी है तो हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसने कहा कि हाँ मेरे मुँह का टेस्ट बिगड़ा हुआ है क्योंकि उसे ना डेंगू हो गया था कई दिन पहले, तो इसके मुंह में ना टेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का, तो मैंने इसको पूछा कि क्या खाना है, तो इसने बोला कि इसको छोले भटूरे खाने हैं। मगर चलो चलते हैं, तो खुर्जा की एक फेमस दुकान है पहाड़गंज वाले छोले भटूरे करके, तो हम उसकी दुकान पे चले गए। तो वहाँ पे जाके हम लोग जैसे छोले भटूरे खाने लगे, एक भटूरा अभी फिनिश नहीं हुआ था और इसने 2 बार सब्जी मांग ली थी, एक भटूरा फिनिश करते करते इसने 2 बार सब्जी मांग ली थी, और फिर वो भी ना मतलब कई कई बार में सुन रहा था बेचारा, वो क्या ही करते हैं यार लड़के, मुझे लगता है ना कि परेशान करते हैं सच में जाके। छोले भटूरे के प्लेट ले लेंगे ना एक, तो एक प्लेट के लिए 10 बार सब्जी करवाएंगे, क्योंकि और भी 2-3 लड़के बैठे थे वो भी वही कर रहे थे वहाँ पे। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं छोले भटूरे खाने के बाद और एक प्लेट पैक कराने के बाद अपने घर के लिए। घर वापस आते वक्त रास्ते में ये बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल पड़ता है जिसका नाम सरस्वती है, तो उस स्कूल की छुट्टी हुई थी और जिसके बाद ये बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के खड़े हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग घर पहुँच गए, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।